कहानी का दूसरा हिस्सा, विराट के मुंह से यक्षिणी शब्द निकलना। विराट कहता है, वंदना तुम भी ना, कहाँ माँ की बातों में आ गई, लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी सुना दी। विराट अपनी बात पूरी करता है, उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी, हे काली माँ मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ़ कर देना, अब यह कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना तुम भी ना, यक्षिणी यक्षिणी कुछ नहीं होता, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है और कुछ भी नहीं है। इस बात का जवाब देते हुए वंदना कहती है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, मैं तो मानती हूँ और आप बस जल्दी आ जाइए। विराट हंसते हुए कहता है, हाँ वंदना आता हूँ, नदी तो पार कर लूँ पहले। वंदना कहती है, अच्छा मैं रखती हूँ। तभी विराट ने फोन रखने से पहले कहा, अरे ऐसे कैसे, तुम्हें लगता है तुम कुछ भूल रही हो। वंदना कहती है, मैं भूल रही हूँ, क्या भूल रही हूँ। विराट हंसते हुए कहता है, यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो लेकिन यह याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। वंदना कहती है, गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा आपकी फिक्र, मैं तो भूल ही गई थी। विराट ने मुंह बनाते हुए कहता है, भूल गई थी तो उसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना होगा। वंदना बड़े प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सजा देंगे आप। विराट जवाब देते हुए कहता है, सजा ये है कि आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप बिना कैसी कैसी बातें करते हैं। विराट कहता है, अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। जवाब देते हुए वंदना कहती है, ठीक है आ जाइए, मैं इंतज़ार करूँगी आपका, जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए एपिसोड 3 देखें।